दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, यानी लाइव करके दिखाने वाला हूं कि आप एटीएम मशीन से पैसे कैसे निकालते हैं। दोस्तों जरूरी नहीं है कि आपका एटीएम कार्ड जिस बैंक का हो उसी बैंक के एटीएम से आप पैसे निकाल सकते हैं। आप किसी भी बैंक के एटीएम से, किसी भी बैंक का एटीएम कार्ड हो, आप पैसे निकाल सकते हैं। सो गाइज, मैं हूं नीलेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुपर टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आपको लाइव करके दिखाते हैं कि एटीएम मशीन से कैसे पैसे निकालते हैं। देख पा रहे हैं मैं भी आ गया हूं स्टेट बैंक के एटीएम में और यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि एटीएम मशीन से पैसे कैसे निकालते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको अपना कार्ड स्वाइप करना होगा। यहां पर अपना कार्ड स्वाइप करेंगे, कार्ड कभी कभी यहां पे ले लेता है और कभी कभी यहां पे जमा कर लेता है या फिर कभी कभी आपका वापस भी कर देता है। तो यहां पर दोस्तों अब ये फैसिलिटी है कि कार्ड अंदर चला गया है और यह भी बाहर नहीं निकलेगा जब तक आपका ट्रांजेक्शन पूरा नहीं हो जाता है। उसके बाद यहां पर आपको छोड़ देना है, आपको रिमूव नहीं करना है, कैंसिल बटन नहीं दबाना है। आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी, यहां पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है बैंकिंग का, फर्स्ट नंबर राइट साइड में ऑप्शन मिल रहा है, यहां पर आपको क्लिक कर देना है। यहां पे आपको दोस्तों हिंदी या इंग्लिश ऑप्शन मिलेगा, इसमें आप जो भी अपना लैंग्वेज चूज कर लेंगे, जैसे मैंने इंग्लिश चूज कर लिया। उसके बाद यहां से आपको टू नंबर डालने हैं, कोई भी एक दो नंबर डाल देंगे यहां पे। यहां पे दो नंबर डालने के बाद यहां पे यस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहां पे आपको अपना पिन डालना है, पिन डालते ही आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा। दोस्तों यहां पर एक ऑप्शन मिल रहा है आपको कैश विड्रॉल का, कैश विड्रॉल वाले ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहां से आपसे पूछा जा रहा है कि आपका सेविंग अकाउंट है या फिर करेंट अकाउंट, जो भी आपका अकाउंट रहेगा आप उस अकाउंट के सामने यहां पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहां से पूछा जा रहा है अमाउंट, आप कितना पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं। तो यहां पे मैंने 1000 रुपए डाल देता हूं और यहां पर यस पर क्लिक कर देता हूं। उसके बाद दोस्तों यहां पे आप देख रहे हैं योर ट्रांजेक्शन इज प्रोसेस्ड। अब चेक करते हैं दोस्तों हमारा एटीएम मशीन से पैसा निकलता है या फिर नहीं। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं भी ट्रांजैक्शन प्रोसेस में है और अभी यहां पे अभी पैसा हमारा निकल रहा है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ये देखिए हमारा एटीएम मशीन से पैसा निकल गया है और ये दोस्तों हमारा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी, उसके बाद यहां से आपको नो कर देना है और यहां से आपको कैंसिल बटन पर दबा देना है, आपका एटीएम कार्ड यहां से बाहर आ जाएगा इस तरह का। दोस्तों इस तरीके से आप एटीएम मशीन से पैसे निकाल सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी है आप नीचे कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। मन में कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो नीचे आप कमेंट्स कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह नॉलेजेबल एंड यूजफुल वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।